आपने रोहिणी आचार्या को टिकट दिया किस आधार पर, मतलब क्यों दिया? क्यों दिया? लालू प्रसाद जी दे दे, तेजस्वी जी दे दे, तो बड़ी अच्छी बात होगी, तब तो मैं कहूंगा कि ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं, बयान। अब आपने रोहिणी आचार्या को जो टिकट दिया तो उसका कारण बता दीजिए, पैसा लेके दिया है कि किडनी बेचने के कारण दिया है, किस किस शर्त पे दिया? उनका तो कोई आरजेडी में कोई आंदोलन में हिस्सा रहा नहीं है, कभी जेल नहीं गई है, ना ही कभी आरजेडी के लिए कोई कैंपेन किया है। खान साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि आज जो है इस देश में भारत का संविधान ये ऐसा तय कर गया है कि अब जो है राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से निकलेगा। आपका तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेगा। अच्छा। किसी मुसलमान को नहीं बनाया, किसी दलित को नहीं बनाया, मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाया, खुद बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बने, आरजेडी का कार्यकर्ता बन जाओ तो मैं तो वहां झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाऊंगा ना। मैं तो तमाम उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आरजेडी में आप क्यों गए हैं? आपको मुख्यमंत्री तो पहले से टिक लगा हुआ है कि तेजस्वी यादव ही बनाएंगे। नौवीं पास अपने बेटे जो कि जानता भी नहीं है ठीक से, उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं, ये सब बातें क्यों करवाना चाहते हैं? आप सिर्फ दुश्मनी पैदा करना चाह रहे हैं। तो मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, राज्य विकास मिशन के संयोजक हैं। इनसे बात करेंगे क्या सम्राट चौधरी का जो बयान है वंशवाद और परिवारवाद पे, उस पे इनकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे पहले आपका। जी, सबको जय हिंद, जय भारत। सम्राट चौधरी का जो बयान है अभी एकदम वंशवाद परिवारवाद और बेटी बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है उसको लोग कह रहे हैं कि तार तार कर दिए सम्राट चौधरी। देखिए, जिस तरह से कोई लड़ाई होता है, राजनीतिक लड़ाई तो है ही बीजेपी आरजेडी में, और इस लड़ाई जब कोर्ट में जाती है तो उसमें बहुत तरह के सवाल उठते हैं, बहुत तरह के इल्जाम उठते हैं, और उसे आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर सम्राट चौधरी ने जो बात कही है उसमें कहीं ना कहीं तो अच्छाई भी है और सच्चाई भी है। अच्छा, अच्छाई भी है और सच्चाई भी है, और इस बात से आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला पब्लिक डोमेन का है। आप पब्लिक में आ चुका है कि आज ये सवाल पूछता है बिहार का जनता कि किस कुर्बानी और किस त्याग और किस कारनामे के कारण रोहिणी आचार्या को सांसद का टिकट मिला इस बिहार की धरती पे। क्यों टिकट देना क्या गलत है? मैंने टिकट देना क्यों सही है? रोहिणी आचार्या कौन है? जनता इसको रोहिणी आचार्या कौन है? उनकी बेटी है। तो बेटी होना मैंने टिकट का दावेदारी होता है? ये जरूरी थोड़ी है कि जनता तय करे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल क्या एक प्रॉपर्टी है लालू प्रसाद की पार्टी है? मैं जो सवाल कर रहा हूं उसमें कहिए, क्या एक निजी प्रॉपर्टी है? नहीं। कि आपने 2 कट्ठा खेत लिख के कवाला दे दिया? राष्ट्रीय जनता दल जब जनता दल से हटके बना था तो उस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को चुना गया था, जो उनके कार्यकर्ता और कार्यकारिणी ने चुना है, और कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो उस पार्टी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। अच्छा। उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती है सर, इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। तो जितने भी इनके कार्यकर्ता उनके शेयर होल्डर हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, रोहिणी आचार्य ने खड़ा किया है, रोहिणी आचार्य का खून पसीना लगा है। अच्छा। आप जो है आप अपनी बेटी आप अपने बाप को ना किडनी दिया? हाँ। तो बाप बेटी का रिलेशन, आप अपने प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा दे दीजिए रोहिणी आचार्य को, किसने मना किया? लेकिन आप जो जनता का हक था, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता का जो हक था, उसको हक छीनकर किसी को देने से तो दर्द तो होगा। तो ये तो आप लोग ना जोड़ रहे हैं कि किडनी के बदले किडनी दिया तो मतलब टिकट मिला। वही पूछ रहा हूं, तो आप इस सवाल को हटा दीजिए, अब बताइए कि रोहिणी आचार्य को क्यों दिया टिकट? क्यों टिकट देने का मतलब टिकट जनता ना करेगी सर डिसाइड कि जो अब ठीक टिकट मिला, आम आदमी को भी टिकट मिलता है, ऐसे ये मतलब नहीं है, कार्यकर्ता भी है उसको भी टिकट मिलता है, लेकिन अब जनता तय करेगी कि उसको जिताना है हराना है। अगर जनता तय करेगी, आप लोग पत्रकारों का तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। जब बाहुबलियों को टिकट मिलता था तो आप ही विरोध करते थे, क्यों विरोध करते थे? भाई जनता को चुनना है, वो चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, लेकिन आप बाहुबलियों को दे दिया, खुखार को दे दिया, रेपिस्ट को दे दिया, हरबंश को दे दिया, दुर्गंश को दे दिया, ये हल्ला मचाते हैं आप लोग। ये हल्ला क्यों? आप भी पक्षपाती हैं,
हम पक्षपाती नहीं, के पक्षपात है जो जो राष्ट्रीय जनता दल राजीव गांधी को और नेहरू परिवार का वंशवाद का विरोध करती थी, जिस पर इनकी राजनीति खड़ा हुई, और आज जो है उसी वंशवाद को आप चला रहे हैं। ये पब्लिक के साथ धोखा नहीं है। वंशवाद कौन पार्टी नहीं कर रही है? कौन पार्टी कर रही है? जैसे आप जेडीयू का ले लीजिए, जेडीयू नहीं करती, क्या कर रही है बताइए? क्या नीतीश कुमार जी ने अपने बेटा को प्रोजेक्ट किया? क्या उनका बेटा उस लायक नहीं है? राबड़ी देवी से तो खराब नहीं है, तेजस्वी जैसे नौवीं पास से तो खराब नहीं है, उनके दल में भी और नेता हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि नेता कौन है? हमारे नेता के रूप में आप किसको कहेंगे? तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, क्योंकि लालू यादव के बेटे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, किसके बेटे हैं, इसलिए बने हैं। नहीं नहीं, वो उनका उनका तो कहीं से उनका खुद का संघर्ष है। आप फिर समझने का बात कीजिए, आप पलटिए नहीं बात। बात इतना ही है कि सम्राट चौधरी ने जो सवाल खड़ा किया कि आपने जो दिया किस कारण से दिया, उनका सवाल यहाँ है। अच्छा। जैसे कोर्ट में पूछा जाता है कि आपने चोरी की, तो वो सफाई देता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैंने वो सामने वाला उठा के ले गया। तो आप अब बताना पड़ेगा कि आपने रोहिणी आचार्य को टिकट दिया किस आधार पर, मतलब क्यों दिया, क्यों दिया? सवाल तो इतना ही है। ये सवाल का जवाब पब्लिक डोमेन में आके लालू प्रसाद जी दे दे, तेजस्वी जी दे दे, तो बड़ी अच्छी बात होगी। तब तो मैं कहूंगा कि ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं, बयान 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 जो किडनी पे आ गया ना, कि किडनी दिया तो मतलब कि टिकट मिला, जैसे ये क्या मतलब है? जैसे देखिए, अभी आप जो है कुछ टिकट मिलते हैं तो यही लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने टिकट बेचा। आपको याद है लोक मोर्चा के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन, उपेंद्र कुशवाहा जी, पिछली बार उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जो दो टिकट दिया था वो टिकट बेचा था। कैसे आपने बोल दिया कि टिकट बेचा था? आपका मुंह था, आपने बोल दिया। भैया वो टिकट बेचे या क्या करे, ये तो उनका मामला था। अच्छा। आपने उस पत्रकार ने उसको छीछा लेदर कर दिया। अब आपने रोहिणी आचार्य को जो टिकट दिया तो उसका कारण बता दीजिए, पैसा लेके दिया है कि किडनी बेचने के कारण दिया है, किस किस शर्त पे दिया है? उनका तो कोई आरजेडी में कोई आंदोलन में हिस्सा रहा नहीं है, कभी जेल नहीं गई है, ना ही कभी आरजेडी के लिए कोई कैंपेन किया है, वो अपना पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। ये क्या मामला मतलब हुआ? लोकतांत्रिक रूप से उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिला एकदम निश्चित तौर पे। कांशीराम साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि आज जो है इस देश में भारत का संविधान ये ऐसा तय कर गया है कि अब जो है राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से निकलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप राजा का कंपनी बना रहे हैं कि एक बेटा होगा फिर बेटी होगी, माने अब आगे कोई आम आदमी नहीं बनेगा इस देश। आम आदमी तो बनाई, कितने लोग को बनाया, माने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने बनाया कि नीतीश कुमार ने बनाया? उनके दल में और भी ऐसे नेता हैं जिनको एमएलसी बनाए, राज्यसभा बनाए। तो आप ये बताइए, उर्मिला ठाकुर हो गई, तमाम जो बहुत सारे नेता हैं, आप तो ऐसे जिनको भेजा गया। यस यस, आपने सामंतवाद का एक नया रूप बनाया। देखिए, पहले जो जमींदार होते थे तो सबको काम देते थे, जैसे चमारों को ढोल बजाने के लिए देते थे, नाई को हजामी करने के लिए देते थे। अच्छा। पासवानों को चौकीदारी करने के लिए देते। तो ये न्याय है? आप दूसरा एंगल जा रहे हैं। एंगल किसे जा रहे हैं, एंगल किसे जा रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपने भगवतिया देवी को दिया, क्या दिया, क्या मुख्यमंत्री बना दिया? बेटा आपका तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेगा। अच्छा। किसी मुसलमान को नहीं बनाया, किसी दलित को नहीं बनाया, मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाया, खुद बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद बने। आप इसके पैरेलल ही खड़ा है जेडीयू। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होते हैं, कभी नीतीश कुमार होते हैं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बदला है, आप ध्यान दीजिए, आपका डिप्टी सीएम कहां बदला, किसी मुसलमान को बनाया? वही मतलब वही परिवार में सब लोग बन रहे हैं। तो वही बात तो है, विरोध तो इसी बात का है। आप इस बात को क्यों जोड़ दे रहे हैं कि वंशवाद किसी भी तरीके से थोपा जाए? हम वंशवाद के विरोधी हैं। आप बताइए कि मैं आरजेडी का कार्यकर्ता बन जाऊं तो मैं तो वहां झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाऊंगा ना। मैं तो तमाम उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आरजेडी में आप क्यों गए हैं? आपको मुख्यमंत्री तो पहले से टिक लगा हुआ है कि तेजस्वी यादव ही बनाएंगे। अच्छा, चाहे कोई कितना भी योग्य हो। आप देख लीजिए ना, आप उनके जो अब्दुल बारी सिद्दीकी है, क्या अयोग्यता है उनमें? मैंने जिसने पूरा जीवन दे दिया इस पार्टी के लिए, उसको तो आपने नहीं बनाया। आप नौवीं पास अपने बेटे जो कि जानता भी नहीं है ठीक से, उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये सब बातें क्यों करवाना चाहते हैं? आप सिर्फ दुश्मनी पैदा करना चाह रहे हैं। तो मतलब भागीदारी सबको नहीं मिलता आरजेडी में? निश्चित तौर पे जमींदारी का एक नया रूप है वंशवाद। और क्या,
जमींदारी वंशवाद का नया, और इसी पर टिप्पणी सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी जी का कहना, भले लहजा जो लगा हो, आपको बुरा लगा हो, ये आपका मामला है।